एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किरण विद फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आज मैं क्या बना रही हूँ मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे पॉम्फ्रेट फिश। ये हमारी फिश है, आप ये देखें, वैसे उर्दू में इसको कहते हैं पापलेट है ये फिश। ये हमारी ये फिश कितनी ज़बरदस्त है, आप यह देखें, इसमें कट वगैरह लगे हुए हैं। तो मैं आज इसकी आपकी रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप मेरी वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैं यह पॉम्फ्रेट फिश बनाऊँगी और बहुत ही आसान तरीका है, इतनी जल्दी बन जाता है। तो मैं आपको रेसिपी स्टार्ट करती हूँ और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो थम्स अप दिए। चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास पॉम्फ्रेट पापलेट है, ये तीन आधा किलो हमने ये ना पापलेट दी है, वाइट पापलेट। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है इसके, ना मैंने तीन कट करवा लिए थे, वहाँ पर भी तीन कट हैं, यहाँ पर भी तीन कट हैं। तो हम मसाले में आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या डालेंगे, उसको हम फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो मसाला लगा के आप फ्रीज भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा मछली है। मेरे पास आधा किलो मछली थी तो मैं बस डायरेक्ट फ्राई करके आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे बना रही हूँ ये। तो चले मसाले में आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर मसाले क्या क्या डालेंगे। चले ये हमारे पास हमने ये मसाले निकाल लिए थे। मैंने 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है। ये सब जो मसाले हैं वो हम फिश के अंदर लगाएंगे। और 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर हम मसाले को। और मैंने ये 2 अदद मैंने ये लेमन लिए हैं, लेमन का मैं इसके अंदर जूस निकालूंगी। लेमन डालकर इसके अंदर मैं जूस डालूंगी। ये देखें, ये हमारा लेमन जूस इसके अंदर आ जाएगा। 2 अदद लिए हैं, अगर आप जितना डालना चाहें, मेरे पास आधा किलो थी तो मैं 2 लेमन डाल रही हूँ। तो आप लोग ज़्यादा फिश हो तो आप ज़्यादा लेमन डाल दें, जितने लेमन डालेंगे उतना टेस्ट अच्छा आएगा। तो मैं 2 लेमन डाल रही हूँ, उसका जूस निकाल लेंगे हम। ये हमारा लेमन जूस निकल चुका है, ये हमने निकाल लिया। अब इसको हम सारे मसालों को मिक्स कर देंगे, इसको हमें थिक रखना है बिल्कुल ना। ये हमें थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे, बिल्कुल हमें ठीक रखना है, ज़्यादा हमें इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हमें नॉर्मल रखनी है। इतना रखना है कि फिश के अंदर गाढ़ा गाढ़ा हमें इसका पेस्ट बनाना है। ये सारे मसालों को हम अभी थोड़ा सा गाढ़ा है, थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे कि हमारा गाढ़ा गाढ़ा रहे। बस इतना हमारा ये हो गया है, मसाले को अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे हम। कंसिस्टेंसी हमारी जो है ये हमारी ये मिक्स हो गई है, ठीक हो गया ये हमारा। देखिए पेस्ट हमारा अच्छी तरीके से बन गया है, थोड़ा सा और पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर। बस बस ये हमारा हो गया है। अब हम इसको फिश के अंदर मिक्स अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना है इसको। ये हमारा मिक्स हो गया है। अब इसको हम ये वाइट पापलेट जो है इसके अंदर अब हमें लगानी है। सो व्यूअर्स देखेंगे हमारा मसाला जो है हमने अच्छी तरीके से इसको थिक कर लिया है। ये हमारा मसाला रेडी हो गया। अब ये हमारी वाइट पापलेट है, इसके जो ये हमने जो ये निशान लगाए हुए थे, कट करे हुए थे, इसके अंदर हमें ये मसाले लगाने हैं अच्छे तरीके से। इसको हाथ से लगाएंगे, अंदर अंदर भी इसको करेंगे कि मसाला अच्छी तरीके से जब्ज हो जाए। अंदर अंदर लगाएंगे इसको ऐसे करके, आगे पीछे आपको ये मसाला लगाना है। हाथ लगाया आपने इसको, इसके सुराख जो ये हुए इसके अंदर आप जितना मसाला डालेंगे उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। ये देखिए खोल खोल के आपको इसके अंदर मसाले को ऐड करना है। ये देखिए, अच्छा ये खोल खोल के लगाएंगे, इसके अंदर भी लगाएंगे। देखिए ये मसाला हमारा अच्छे तरीके से लग चुका है। अगर आप चाहें तो लगा कर रख भी सकते हैं, पर मैं फौरी फ्राई करूँगी ये। हम अब दूसरी फिश को ऐसे ही मसाला लगाएंगे खोल खोल के। ये इसके अंदर भी खोल के हम मसाला लगाएंगे, और जो मसाला बचेगा ना उसका हम
आपको बताएंगे कि क्या करेंगे मसाले को, जो बचेगा उसको फेंकना नहीं है, इसमें से बच जाएगा मसाला। तो आपको उसका मैं भूनूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मसाला बनाऊंगी मैं। ये हमारा लग गया, ये देखें हमारा तीनों पापलेट में, वाइट पापलेट में पूरा मसाला हमने लगा लिया है, खोल खोल के अच्छे तरीके से आपको लगाना है, और मैंने हर जगह लगा लिया है। तो अब मैं आपको 5 मिनट बाद इसको फ्राई करके मैं आपको दिखाती हूँ कि, और ये मसाले को फेंकना नहीं है आपको, ये मसाले को मैं भूनूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि एक तरफ मेरा मसाला भून रहा होगा और एक तरफ मेरे। व्यूअर्स, 5 मिनट हमारे हो गए हैं, अब हम फिश को फ्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसी हमारी बनी है पापलेट। तो उसके लिए मैंने ये पैन लिया है, ये मैंने पैन के अंदर मैं ऑयल डालूंगी, अगर आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर लें और अगर आप चाहें तो उसको सेक भी सकते हैं थोड़े थोड़े से ऑयल में। तो मैं डीप फ्राई करूंगी, इतना डालूंगी मैं ऑयल, सही है। चले व्यूअर्स, 5 मिनट हमारे हो गए हैं और वाइट पापलेट पे मसाला अच्छी तरीके से मैंने लगा लिया, और कितना आसान तरीका है, आप झटपट सी हमारी फिश फ्राई रेडी हो जाएगी। तो बस मैं, ये 5 मिनट हो गए और पैन में भी हमारा जो हमने ऑयल डाला हुआ था वो हमारा गरम हो गया है, अच्छे तरीके से गरम हो गया है। तो मैं आपको डालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तीनों इसके अंदर ही आ जाएगी हमारी, ये तीनों मैंने चले, ये आखिरी रह गई है, इसको भी मैं आप इसके अंदर पैन के अंदर डाल दूंगी। और ये जो मसाला रखा हुआ है, लगा रखा है ना मसाला बचा जो है, वो फिर मैं आपको मसाला भूनते हुए आपको दिखाऊंगी कि फिश के साथ खाएंगे उसको कितना मजे का मसाला है। इसको आपको दरमियानी आंच पे पकाना है, कि देखिए कितनी खूबसूरत है हमारे, ज़बरदस्त की खुशबू आ रही है भाई। अब इस फिश को ना हमें 3 मिनट तक हमें इसको सेकना है कि अच्छी तरीके से इसका जो कलर है अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए, और फिर हमें फिर 3 मिनट फिर हमें उस तरफ पलटना है कि इसका कलर बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ जाए। तो अभी बस इसको हम सेक रहे हैं, नॉर्मल आंच पे सेकेंगे इसको हम। ये देखें जी, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको पलटना है, ये देखो कलर कितना ज़बरदस्त आ गया है, बिल्कुल आपको लाइट बिल्कुल हाथ से आपको पलटना है, कलर देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया हमारा। हाँ, आराम आराम से आप ये चलने को पलटेंगे, कितनी खूबसूरत लग रही है यार ये चीज़ फ्राई होके, कलर देखिए कितना सुनहरा सुनहरा सा इसके अंदर कलर आया है, ज़बरदस्त सा। 3 मिनट तक हमने जब किया था, अब 3 मिनट हमने पलट दिया है, 3 मिनट तक हम इसको करेंगे कि अच्छी तरीके से अंदर जो इसका हम मसाला लगाया था वो अच्छी तरीके से जब्त हो जाए। व्यूअर्स देखिए, 3 मिनट हमारे, 6 मिनट हमारे हो गए हैं, और आप देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, और इतनी खतरनाक सी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त सी, और ये खाने में कितने मज़ेदार सी होगी, वाइट पापलेट मज़ेदार सी। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप भी लोग भी ट्राई करें जैसे मैंने ट्राई किया है, और बस अब इसको हम निकाल लेंगे, और कितने देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको ट्रे के अंदर निकालेंगे। चलिए ये देखें, अब हमारी ये फ्राई हो गई है और अब हम इसको निकाल रहे हैं, थोड़ा इसको अच्छे तरीके से आराम से इसको निकालना है आपको, बिल्कुल ऑयल नहीं हो तो हम निकाल देंगे। ये देखें, अब दूसरी भी इसी तरीके से हम करेंगे, ये देखें इसको हम इसी तरीके से करेंगे। ये हमारी दूसरी भी फ्राई हो गई है, अब ये हमारी तीसरी मछली को भी आराम से निकालेंगे, देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया,
क्या खतरनाक से खुशबू आ रही है व्यूअर्स, जबरदस्त सी। व्यूअर्स हमारी फिश फ्राई हो गई है, और जो हमारा जो मसाला बचा था, ये हमारा मसाला बचा है, जो ऑयल जो हमारा थोड़ा सा बचा है उसी के अंदर हम ये मसाला डाल के इसको हम भुनाई करेंगे मसाले को, और फिर ये मसाला जो है ना, हम ये जो फिश हमारी फ्राई हुई है उसके साथ हम खाएंगे। थोड़ा सा बस ऑयल है इसके अंदर, मैंने थोड़ा सा ऑयल जो बचा था फिश का, अगर आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आप और ये मसाले में मैंने इतना सा ऑयल डाला है, और इसको हम अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे मसाले की। ये देखिए हमारा ये मसाला जो बचा था, देखिए ज़ाया भी नहीं हुआ, और ये मसाला जब हम फिश के साथ खाएंगे तो वो और ही मज़ेदार सा हो जाएगा। आप बाहर भी आप खाने के लिए जाते हैं तो वो फ़िश का मसाला देते हैं, तो हमने आज आपको बाज़ार वाली फ़िश बनाना सिखा दी है, और कितने मज़ेदार से। ये देखें हमारी ये भुनाई हो गई है, मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन गया है मसाला। ये देखें हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है, इसको अब हम छोटी सी प्याली के अंदर इसको निकाल लेंगे सारे मसाले को। ये देखें हमने ये मसाला निकाल लिया सारा, चलें अब हम आपको फिश के साथ दिखाते हैं कितना ज़बरदस्त सा मसाला मैंने तैयार कर लिया ना, इसको हमने ज़ाया नहीं करेंगे, वो मसाला फिश को जब इस मसाले के साथ खाएंगे तो मज़ा ही अलग आएगा। ये देखें व्यूअर्स हमारी फिश जो है वो फ्राई हो गई है, पापलेट, वाइट पापलेट का तो टेस्ट आपको पता है कितना ज़बरदस्त सा होता है, और हमने जो मसाला हमारा फिश से जो बचा था वो हमने ज़ाया नहीं करा, उसको हमने भून लिया था, और ये हमारा मसाला रेडी हो गया। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी फिश की रेसिपी, अगर आपको हमारी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, कमेंट्स कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। अगर पसंद आए वीडियो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन टेक केयर।